साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र से सोमवार को एक महिला को 110 बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। तालझारी थाना परिसर में राजमहल अनुमंडल पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब को लेकर एक महिला टेम्पो में सवार होकर बिहार की ओर जा रही है। गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के आदेश पर तालझारी सहायक थाना प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्यवाही करते हुए शहीद चौक तालझारी से एक महिला को देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना लाया गया। उक्त गिरफ्तार महिला का नाम पूनम देवी है, जो भागलपुर जिले के ललखमलखा थाना सबौर की रहने वाली है। वहीं उसके पास से 300 ml की 110 बोतल देसी शराब बरामद किया गया। महिला के पास कोई कागजात नहीं होने के कारण तालझारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर उक्त महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एक टेम्पो से सवारी एक महिला देसी शराब के साथ जा रही है। सूचना के सत्यापन में वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए शहीद चौक के पास से चेकिंग लगाकर एक टेम्पो को रोका गया, जिसमें काफी सारे सवारी बैठे हुए थे। जिसमें सभी को जब सर्च किया गया तो एक महिला के पास से बोरे में कैपिटल कंट्री स्पिरिट देसी शराब की 110 बोतलें प्राप्त की गई। महिला को विधिवत गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके थाने लाया गया। इसके महिला का नाम पूनम देवी है, जो भागलपुर ललक की रहने वाली है। ठीक है, वो शराब को भागलपुर लेके जा रही थी। इसी क्रम में हमारे द्वारा छापामारी करके इसको पकड़ा गया है और सुसंगत धाराओं के तहत इस महिला के विरुद्ध केस किया जाएगा और इसको जेल भेजा जाएगा।